आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शार्पनर में ये लाइंस क्यों होती हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर पर नंबर्स क्यों दिए जाते हैं, ईयरफोन्स में ये डॉट क्यों होते हैं, ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, क्या आपने इस पर ध्यान दिया है, यहाँ इस शार्पनर पर ये लाइंस क्यों होती हैं? दरअसल जब ये पेंसिल शार्प करते हैं तो उस समय उसकी नीब काफी ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है और लिखते समय वही नीब बार बार टूटती और परेशान करती है, तो उसकी नीब को परफेक्ट शेप देने के लिए शार्पनर में ये लाइंस बनाई जाती है। नंबर 9, क्या आपको भी सुनने से पहले म्यूजिक सुनना पसंद है और वो भी लाइट ऑफ करके? लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ईयरफोन्स में राइट एंड लेफ्ट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। लगभग हर ईयरफोन में लेफ्ट साइड पर एक उभरा हुआ डॉट होता है कुछ इस तरह का। दरअसल वो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, लेकिन अंधेरे में पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, वैज्ञानिकों ने ऐसा टैटू बनाने का तरीका खोजा है जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल के हिसाब से अपना कलर बदलते रहेगा। नंबर 7, क्या आपको पता है किचन में इस्तेमाल हो रहे एलपीजी गैस सिलेंडर में मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, जो एक फ्लेमेबल गैस है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एलपीजी गैस लीक होने पर जो स्मेल आती है उसकी जिम्मेदार ये दोनों गैस है ही नहीं, बल्कि ये दोनों तो ऑडरलेस है, यानी कि ये दोनों गंधहीन है। दरअसल स्मेल का जिम्मेदार एथिल मरकप्टन है, जो सिलेंडर में गैस भरते टाइम अलग से भरा जाता है, और ये इसीलिए भरा जाता है ताकि अगर गैस लीक हो तो पता चल जाए। नंबर 6, क्या आपको पता है दुबई में कोई भी इंसान अपनी कार को घर पर वॉश नहीं कर सकता, यानी धो नहीं सकता खुद से? दुबई में गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा करने से पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा होगी। और इससे भी एक और अमेजिंग बात तो ये है कि दुबई में आप गंदी कार भी चला नहीं सकते, यानी कि आपको कार भी वॉश करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसे घर पर वॉश नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पर अलग से वॉशिंग स्टेशन है, सिर्फ उसका यूज ही आप कर सकते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे में इन 4 कंडीशन में अगर आप चेन को खींचते हैं तो आपको सजा नहीं होती है? पहली, ट्रेन स्टेशन से अगर चल चुकी है और आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप चेन को खींच सकते हैं। दूसरी, अगर कोई बीमार इंसान है और उसके साथ ये सिचुएशन होता है कि वो स्टेशन पे छूट जाता है, तो उस कंडीशन में आप चेन को खींच सकते हैं। तीसरी ये है कि अगर डिब्बे में कोई चोरी या लूटपाट होती है तो उस कंडीशन में भी आप चेन खींच सकते हैं। और चौथी बात यह है कि किसी की भी जान बचाने के लिए, यानी वो अगर गिर गया है या गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप चैन को खींच सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं होगी। नंबर 4, दोस्तों आपने बहुत सारे एडवांस माउस देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था और उस माउस पर कोई बटन भी नहीं थे? इसको 1973 में बनाया गया था। नंबर 3, नॉर्मली जब भी कोई बीमार होता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो पर्सनली जाकर उसको चेक करते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बट क्या आपको पता है कोरोना वायरस के चलते चाइना ने एडवांस ड्रोन को पूरी कंट्री में फैला दिया है? दरअसल दोस्तों ये ड्रोन हर एक पेशेंट के पास जाकर उसको जो मेडिसिन है उसे वो प्रोवाइड कराता है। अमेजिंग बात तो ये है कि जिन घरों में या इलाकों में ये ड्रोन नहीं जा सकते, चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ मेडिसिन को पहुँचाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया है और उनके ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। नंबर 2, दोस्तों नॉर्मली जब भी कमरे की लाइट्स को ऑफ किया जाता है तो जो अंधेरा होता है, तो 99% लोग उसको कहते हैं कि कमरे में डार्कनेस है, यानी कि कालापन है। लेकिन क्या आपको पता है रियल में आपको डार्कनेस या कालेपन नहीं दिखती, बल्कि इसका नाम ब्रेन ग्रे है, इसे ब्रेन ग्रे के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, क्या आपको पता है एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर इस तरह के कुछ नंबर्स लिखे होते हैं? क्या ये टाइम पास करने के लिए लिखा जाता है? तो नहीं, ये नंबर आपके एलपीजी गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर B13 लिखा हुआ है। इसके अलावा ये नंबर्स A, B, C और D से स्टार्ट हो सकते हैं, जिसमें A का मतलब है कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जनवरी से लेकर मार्च के बाद है, B का मतलब है अप्रैल से जून तक है, C का मतलब है जुलाई से सितंबर तक है, और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक है। जैसे अगर A24 लिखा है तो इसका मतलब इसे 24 में जनवरी मार्च के अंदर मैंडेटरी टेस्टिंग के लिए ले जाना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।